अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो, अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो, चाहे जिंदगी में मिले कितने भी काम उसे शिव की तरह पीना सीख लो। हर मुश्किलों को झेल कर भी जीवन पथ में मुस्कुराते रहना, हर मुश्किलों को झेल कर भी जीवन पथ पे मुस्कुराते रहना, सारा जहां गले में उतार कर भी गीत खुशियों के गाते रहना, हर मुश्किलों को झेल कर भी जीवन पथ पर मुस्कुराते रहना, सारा जहां गले में उतार कर भी गीत खुशियों के गाते रहना। जब भी देखो कहीं होता अन्याय, जब भी देखो कहीं होता अन्याय तो भगत सिंह की तरह जोर जोर से चीख लो, जब भी कहीं होता देखो अन्याय तो भगत सिंह की तरह जोर जोर से चीख लो। अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो, अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो। तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाले लाखों लोग सामने आएंगे। अगर युवा व्यक्ति है, कुछ बदलाव की बात करे, कुछ नया करने की बात करे, तो उसको लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वो आगे बढ़े। इस पे लाइनें हमारी, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाले लाखों लोग सामने आएंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने वाले लाखों लोग सामने आएंगे, असफलता की दास्तानें सुना सुना कर तुम्हें खूब डराएंगे, असफलता की दास्तानें सुना सुना कर तुम्हें खूब डराएंगे, स्वामी विवेकानंद की तरह दहाड़ कर, स्वामी विवेकानंद की तरह दहाड़ कर सबके दिलों को अपनी तरफ खींच लो, स्वामी विवेकानंद की तरह दहाड़ कर सबके दिलों को अपनी तरफ खींच लो। अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो, अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो। जिस समाज में रहते हो, जिस समाज में रहते हो उसका सदा ही भला करना। लोग कहते हैं भैया मेरा क्या मुझको क्या, हर जगह यही नारा चलता है भैया इसमें मुझको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी लोगों को भला करना चाहिए, इसपे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि जिस समाज में रहते हैं उसका सदा ही भला करना, चाहे लोग भले से कहते हैं कि कुछ भी कर गया हो, लेकिन हमारा युवा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिस समाज में रहते हो उसका सदा ही भला करना, जीवन संग्राम में डट कर लड़ना, कभी किसी से मत डरना, जीवन संग्राम में डट कर लड़ना, कभी किसी से मत डरना, ठीक है, जीवन संग्राम में डट कर लड़ना, कभी किसी से मत डरना। मदन मोहन मालवीय की तरह, मदन मोहन मालवीय की तरह राष्ट्रीय के लिए सबसे भीख लो, मदन मोहन मालवीय की तरह राष्ट्रीय के लिए सबसे भीख लो। हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, सबसे भीख लेकर बिच्छू बनवा दिया था। लोग कहते हैं कि हम क्या करें कैसे करें, अगर आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो आप भीख भी ले सकते हैं, अधिकार है, क्योंकि आप दूसरों के लिए हित के लिए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े साधु संत सब भिक्षा लेके ही बहुत बड़ा काम किए, तो अगर आपको बड़ा काम करना है तो आप उसके लिए कभी सरवाइए मत, आ जाके भीख भी ले सकते हैं। इसी पंचम लाइन है कि मदन मोहन मालवीय की तरह राष्ट्रीय के लिए जाकर सबसे भीख लो, अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो, अगर तुम युवा हो तो युवा की तरह जीना सीख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।